मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या की 50वीं वर्षगांठ पर बंदूक के लिए पुलिस गलती पाइप के बाद न्यूयॉर्क में अफ्रीकी अमेरिकी मारे गए। न्यूयॉर्क पुलिस ने बुधवार को ब्रुकलिन में एक अफ्रीकी अमेरिकी आदमी को गोली मार दी, शूटिंग जिसने इसी तरह की घटना का अनुसरण किया, जो सैक्रामेंटो में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और जो नागरिक अधिकार चिन्ह मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या की 50वीं वर्षगांठ पर आया था। वह पुलिस द्वारा हत्याओं की एक तादाद में नवीनतम है जिसने कानून द्वारा हिंसा पर एक राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ी है। प्रवर्तना पुलिस न्यूयॉर्क में निहत्थे अफ्रीकी अमेरिकी आदमी को गोली मारती है। ब्रुकलिन के दिल में मुख्य रूप से काले पड़ोस क्राउन हाइट्स में 5 बजे 2100 GMT से पहले ही शूटिंग हुई। अधिकारियों ने 3911 आपातकालीन कॉल प्राप्त करने के बाद जवाब दिया, जिसमें कहा गया है कि एक आदमी सड़क पर लोगों पर एक वस्तु है जो एक बंदूक प्रतीत होता है इंगित कर रहा था। न्यूयॉर्क पुलिस के लिए विभाग के प्रमुख टेरेंस मोनाहम ने कहा, जब पुलिस ने संपर्क किया तो उस व्यक्ति ने दो हाथ की शूटिंग की स्थिति ले ली और निकट आधिकारिक अधिकारियों पर एक वस्तु की ओर इशारा किया। चार अधिकारियों ने आदमी पर 10 शॉट्स निकाल दिए, जिन्हें अस्पताल में मृत घोषित किया गया था। जिस वस्तु को पकड़ा गया वह व्यक्ति बंदूक नहीं था, बल्कि इसके अंत में किसी प्रकार के घुंडी के साथ एक पाइप था, मोहन ने कहा। शूटिंग के कुछ ही समय बाद फेसबुक पर लाइव फुटेज प्रसारण के अनुसार कई लोगों ने पुलिस के आचरण की चिल्लाहट और निंदा करने के साथ दृश्य पर इकट्ठे हुए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार शूटिंग का शिकार पड़ोस में जाना जाता था और मानसिक रूप से बीमार था, लेकिन हिंसक नहीं था। सैक्रामेंटो शहर में पुलिस ने 22 वर्षीय स्टीफन क्लार्क में 20 राउंड निकालकर शूटिंग के 3 हफ्तों से भी कम समय का सामना किया, क्योंकि यह डर था कि वह एक हथियार ले रहा था। क्लार्क जो मारे गए थे वास्तव में एक आईफोन पकड़े हुए थे। 18 मार्च की शूटिंग के दौरान गुस्सा शहर सैक्रामेंटो की सड़कों में विरोध के दिनों में उभरा, साथ ही मैक्रों ने ट्रैफिक को अवरुद्ध किया और दंगा गृह में पुलिस के साथ संघर्ष किया।